नमस्कार, मैं डॉक्टर विपिन बंसल, वास्तु कंसल्टेंट। हमेशा की तरह आज फिर आपके साथ एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा। आज का जो विषय है वो है ज्वेलरी शॉप। आपकी अपनी ज्वेलरी शॉप है, नॉर्थ फेसिंग है, और आपके यहाँ काम अच्छा नहीं चल रहा है, या आप अपने शॉप को रेनोवेट करने जा रहे हैं, या आप अपनी नई शॉप बनाने जा रहे हैं, तो एज पर वास्तु आपको अपनी ज्वेलरी शॉप बनाते समय किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जो आपकी अपनी ज्वेलरी शॉप है वो आपकी सड़क से, आपकी गली से हमेशा ही ऊंची होनी चाहिए। आपकी दुकान का जो शटर है, शटर के ऊपर जो कलर होना चाहिए वो ग्रे कलर होना चाहिए, स्काई ब्लू कलर होना चाहिए, या ब्लैक कलर होना चाहिए। हमेशा ही स्टर से अंदर की ओर एक चैनल गेट लगाया जाता है। उस चैनल गेट पर आपने जो कलर करना है, या तो स्काई ब्लू कलर करना है, या ग्रे कलर करना है, या आपने ब्लैक कलर करना है। इसी के साथ जो आपके बाहर यानी दुकान के बाहर जो आपके स्टेप बने हुए हैं उन पर जो कलर होना चाहिए, जो पत्थर लगना चाहिए, या तो सीमेंट कलर होना चाहिए, या ग्रे कलर होना चाहिए, या स्काई ब्लू कलर होना चाहिए, या वाइट कलर का पत्थर ही लगना चाहिए। अब बात करते हैं एंट्रेंस की। आपके यहाँ एंट्रेंस कहाँ होनी चाहिए? आपके यहाँ एंट्रेंस नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके नॉर्थ की ओर यानी दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर आने का रास्ता जो है वो नॉर्थ ईस्ट के भाग से होना चाहिए। आपकी दुकान की या शोरूम की चौड़ाई ज़्यादा है तो आप अपना गेट नॉर्थ यानी उत्तर दिशा के मध्य भाग में भी बना सकते हैं। ये गेट भी आपका बिल्कुल अच्छा रहेगा। यहाँ से जब कस्टमर दुकान के अंदर आता है, शोरूम के अंदर आता है, तो वो कस्टमर आपके यहाँ आपको प्रॉफिट देकर जाता है। इसलिए आपका नॉर्थ का गेट भी हमेशा अच्छा रहता है और नॉर्थ ईस्ट का गेट भी हमेशा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक मीटर की। इलेक्ट्रिक मीटर वैसे तो खंभों पर, पोल पर ही लगने लग गए हैं। यदि आपके यहाँ आपका इलेक्ट्रिक मीटर आपकी दुकान के अंदर लगता है तो आपने अपने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक मीटर लगवाना है, सबसे अच्छी पोजीशन तो साउथ ईस्ट में ईस्ट की दीवार के साथ या साउथ की दीवार के साथ ही होता है। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक मीटर और इलेक्ट्रिक जंक्शन बनाते हैं तो ये एज पर वास्तु अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आप यहाँ पर अपने इन्वर्टर की व्यवस्था करते हैं तो इसका भी फायदा आपको ज़रूर मिलेगा। दूसरी ऑप्शन में आप इलेक्ट्रिक मीटर MC बॉक्स कहाँ लगा सकते हैं? नॉर्थ वेस्ट कोने में यानी वायव्य कोने में वेस्ट की दीवार पर, यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक मीटर और MC बॉक्स लगवा सकते हैं। अब बात करते हैं काउंटर की। आपके यहाँ काउंटर किस तरीके से बनना चाहिए? एज पर वास्तु आपके यहाँ जो काउंटर बनना चाहिए, आप यहाँ पर ईस्ट की दीवार से वेस्ट की दीवार तक और साउथ से नॉर्थ की ओर एल शेप में आप अपना काउंटर बनाए। आपका अंदर जाने का जो रास्ता है वो कहाँ से बनाना है? अंदर जाने का रास्ता आपको अपने काउंटर के ईस्ट के भाग में बनाना है। यहाँ से आप, आपका स्टाफ अंदर जाएगा। अब बात करते हैं स्टोरेज और डिस्प्ले की। जो आपने अपने यहाँ पर स्टोरेज करनी है और डिस्प्ले करनी है वो साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ वेस्ट कॉर्नर तक और साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर तक, यहाँ पर आपकी अपनी डिस्प्ले और स्टोरेज बन जाती है। लगभग काउंटर जितनी हाइट की, नीचे के भाग में तो आपकी स्टोरेज बनेगी और उसके ऊपर आपकी अपनी डिस्प्ले बन जाती है। इसके बाद आपने जो डिस्प्ले बनानी है, आप फ्रंट के भाग में जहाँ तक आपका डोर आता है, डोर के बाद फ्रंट के भाग में यानी नॉर्थ के वॉल पर भी आप अपना डिस्प्ले जरूर बनाएं। अब बात करते हैं स्टाफ के बैठने की सीटिंग। स्टाफ की और ऑनर की सीटिंग कहाँ और कैसे होनी चाहिए?
यहाँ से अंदर आने के बाद जो स्टाफ की सीटिंग है, एक दो, यहाँ पर स्टाफ की सीटिंग आ जाती है। आपके यहाँ तीन बंदों की सीटिंग बनती है तो आप तीन बंदों की सीटिंग यहाँ पर कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर आप ऑनर की सीटिंग भी बना सकते हैं और यहाँ पर भी आप ऑनर की सीटिंग बना सकते हैं और यहाँ पर भी ऑनर की सीटिंग बना सकते हैं। इसके बाद फिर आपका अपना स्टाफ की सीटिंग बन जाती है। तिजोरी आपने कहाँ रखनी है? तिजोरी आपने अपने यहाँ पर साउथ वेस्ट के भाग में रखनी है, जिसकी फेसिंग नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की ओर हो जाती है। आपने अपने यहाँ पर गल्ला रखना है या लॉकर बनाना है तो वो आप साउथ की दीवार पर नॉर्थ की ओर ओपन होते हुए कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी आपके लिए बहुत बढ़िया है। और दूसरी ऑप्शन में आप वेस्ट की दीवार पर लॉकर बनाएं और ईस्ट की ओर ओपन होता हुआ, ये दोनों लॉकर आपके एज पर वास्तु अच्छे रहते हैं। यदि आपने अपने यहाँ पर ड्रॉर के अंदर लॉकर बनाना है तो वो ओनर के हमेशा ही राइट हैंड की ओर लॉकर होना चाहिए, यानी यहाँ पर ओनर बैठता है तो ओनर के राइट हैंड पर ही लॉकर होना चाहिए। आपके यहाँ जो कस्टमर माल लेके जाता है, जो पेमेंट देके जाता है, सबसे पहले वो पेमेंट आप यहाँ पर रखिए, उसके बाद वो पेमेंट यहाँ से निकाल कर आपने वेस्ट की दीवार पर लॉकर बनाया है तो इसके अंदर रखिए, यदि साउथ की दीवार पर लॉकर बनाया हुआ है तो यहाँ पर आप अपना पैसा रखेंगे तो वो हमेशा ही आपको फ़ायदा देगा। अब बात करते हैं कस्टमर के बैठने की सीटिंग। कस्टमर चेयर रखनी है आपने तो चेयर भी रख सकते हैं और यहाँ पर सोफ़ा रखना चाहें तो आप सोफ़ा भी रख सकते हैं। कस्टमर की सीटिंग के लिए आप चेयर रखना चाहें तो चेयर भी रख सकते हैं और सोफ़ा रखना चाहें तो सोफ़ा भी रख सकते हैं। जो कस्टमर की चेयर है उनका जो कलर होना चाहिए या तो लाइट ब्राउन कलर होना चाहिए या ऑफ वाइट कलर ही होना चाहिए। ओनर की जो सीटिंग है, जो स्टाफ की सीटिंग है, इसमें सभी चेयर्स का जो कलर है ऑफ वाइट कलर होना चाहिए। यदि आप दो कलर करते हैं तो आपके यहाँ हमेशा ही कस्टमर का आगमन भी अच्छा रहेगा और कस्टमर आपके यहाँ से सेटिस्फाई भी होकर जाएगा, सामान लेकर भी जाएगा। उसके लिए आपको करना क्या है, जो आपकी साउथ की दीवार के साथ एक चेयर, दो चेयर, तीन या चार जितनी भी चेयर आती है, इन चेयर्स का जो कलर है वो रेड कलर या मैरून कलर ही होना चाहिए। और जो वेस्ट की दीवार के साथ जो चेयर्स आती है वो ऑनर की चेयर बनती है, अपने स्टाफ की चेयर बनती है, तीन चेयर है, चार चेयर है या पांच चेयर है, सभी का कलर ग्रे कलर होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन में आप वाइट कलर ले सकते हैं। अब बात करते हैं मंदिर की। अपने शोरूम में, अपनी दुकान के अंदर मंदिर आपने कहाँ बनाना है? आपने मंदिर साउथ ईस्ट कॉर्नर में मंदिर बनाना है। पीने का पानी आपको कहाँ रखना है? पीने का पानी आपको ईस्ट सेंटर से नॉर्थ ईस्ट तक, यहाँ पर इस भाग में आपने पीने का पानी रखना है। कुछ व्यक्ति अपनी दुकान के अंदर या तो समरसिबल लगाते हैं या सरकारी पानी का कनेक्शन लेते हैं। आप सरकारी पानी का कनेक्शन लेते हैं तो उसके जो नल लगने चाहिए, जो मीटर लगना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट में ही लगना चाहिए। यदि आप समरसिबल लगाते हैं तो समरसिबल भी आपका नॉर्थ ईस्ट के भाग में ईस्ट की दीवार के साथ ही लगेगा। आपकी ज्वेलरी की दुकान है, ज्वेलरी का शोरूम है, इसमें बड़े बड़े मिरर लगाए जाते हैं। आपके यहाँ जो बड़े मिरर लगेंगे वो आपके बड़े मिरर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से लेके साउथ ईस्ट कॉर्नर तक ईस्ट की दीवार पर ही आपके यहाँ मिरर लगेंगे। इसके अलावा आपको वेस्ट की दीवार पर या साउथ की दीवार पर मिरर बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। आप इन बातों का ध्यान रखकर अपनी ज्वेलरी की शॉप तैयार करते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही फुटफॉल अच्छा रहेगा और ग्राहक का आगमन हमेशा बना रहेगा। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं, नया शोरूम बनाने जा रहे हैं तो उसमें आपने जो फर्श की ढलान करनी है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ही करनी है। फर्श के अंदर यदि आप पत्थर लगाते हैं तो वाइट कलर का पत्थर लगाना है, यदि टाइल लगानी है तो टाइल आपके यहाँ ऑफ वाइट कलर की या क्रीम कलर की ही होनी चाहिए। और दीवारों का जो रंग है वो आप ऑफ वाइट कलर भी कर सकते हैं और इसी के साथ एक ऑप्शन
और मैं आपको बताना चाहूँगा लाइट ब्राउन कलर, गेहुआ कलर भी आप अपने शोरूम के अंदर, अपनी दुकान के अंदर कर सकते हैं। इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा। आपकी अपनी दुकान है, आपका अपना शोरूम है और इसी प्रकार से बना हुआ है और आपके यहाँ कस्टमर नहीं आता है, तो उसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, आप अपने यहाँ पर यानी जो आपकी दक्षिण की दिशा है, यहाँ पर साउथ ईस्ट कॉर्नर से लेके जहाँ तक आपका काउंटर आता है, इस भाग में रेड कलर का कारपेट बिछाए। ऐसा करने से आपके यहाँ कस्टमर भी आएगा और सामान लेकर भी जाएगा। यदि आप मेरे अनुसार इस तरीके से सेटअप करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट जरूर मिलेंगे। आप अपने आसपास में, आपके आसपास में जितनी भी ज्वेलरी की शॉप है इस तरीके से बनी हुई है, तो उनके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी रहेगी। आप नोट कीजिए, देखिए, तो आपको ये पता चल जाएगा कि बंसल जी की बातें बिल्कुल सही है और एक एक पॉइंट मैच करता है। जिनकी दुकानें बहुत अच्छी चल रही है, जो कस्टमर आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, उनकी दुकानों का सेटअप यानी उनकी दुकान नॉर्थ फेसिंग है और दुकानों का जो सेटअप है वो सेटअप लगभग इसी तरीके से है, तो उनके यहाँ हमेशा ही फुटफॉल बना रहेगा, कस्टमर आएगा और सामान लेकर जाएगा। आप भी अपनी दुकान को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आप इस तरीके से अपनी दुकान का सेटअप जरूर करें। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली जितनी भी मेरी वीडियो है उनकी नोटिफिकेशन आपको रूटीन में लगातार मिलती रहे। इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।